हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया एक्सपीरियंस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस वीडियो है 39th, और आज का जो वीडियो है हमने बनाया है पास हुए स्टूडेंट से। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा है मौका, क्योंकि जल्दी जो स्टूडेंट्स पास हुए स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस वीडियो आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 300 स्टूडेंट्स में से मात्र 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं जो पास होते हैं, और उन सभी से कॉन्टैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है अपना नंबर बिजी देखते हैं, या फिर वो हमसे बात नहीं करना चाहते, या किसी चैनल को अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहते, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट आज हमारे पास जो है किसी स्टूडेंट का जो है एक्सपीरियंस मिल चुका है, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है यानी कि क्वालिफाइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, RPF जो कांस्टेबल का जो भर्ती चल रहा है उसका पूरा एक्सपीरियंस वीडियो जब तक चलेगा तब तक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस वीडियो हम आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों, आपको अनुभव से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, इसलिए आपको हर एक्सपीरियंस वीडियो आपको पूरी तरह से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको पता है दोस्तों कि मैं हमेशा जो है डॉक्यूमेंट से बात करूंगा, और आज भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आसनसोल और हावड़ा वाले दोनों ही सेंटर के स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो पहली चीज़ आपको जो है एडमिट कार्ड से हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड अपना हमेशा जो है तैयार रखना है, और जिसकी 2 कॉपी आपको रेडी रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे दोस्तों, आज 10वीं और 12वीं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं में आपका जो मार्कशीट है, जिसमें आप पासिंग सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हो, और आपका वही डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होना चाहिए। दोनों डेट ऑफ बर्थ जब मैच करेगा तभी जो है आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। नंबर 3 पे आ जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लें, तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र में आपको क्या लेना है, SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS वाले जो भी हैं आपका, उन्हें जो है सेंट्रल फॉर्मेट, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट इनकेस आपके पास नहीं है इस समय, तो आपको जो है समय दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा कि आपको इस निश्चित समय तक अगर आप पास हो जाते हैं ये ट्रेड टेस्ट, तो आपको जो है जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अभी फिलहाल ट्रेड टेस्ट के अंदर एंट्री पाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, वो मान्य है, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट में हमारे फ़ोटो की। तो आपको 2 पासपोर्ट टाइप फ़ोटो जो है रिसेंट में खिंचवाया हुआ, यानी कि कलर फोटो वो ले जाइए दोस्तों। एक जन ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले गए थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसी मिस्टेक्स आप मत कीजिए, बहुत बारीक चीज़ें होती, बट मैंने सोचा कि आपको जो है बारीक से ही बता दूँ कि आपको जो है कलर फोटो ही लेके जाना है, वो भी 2 पासपोर्ट साइज, वो भी रिसेंट में खिंची हुई, क्योंकि वो आपका चेहरा मैच करते हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने फोटो करते समय क्लीन सेव किया था, यानी आपके चेहरा एकदम क्लीन था, और उसके बाद अगर आप वियर्ड लुक में जा रहे हैं, थोड़ा दाढ़ी वगैरह बढ़ा लिए, तो दोस्तों उसे क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल मैच नहीं होता, और इस केस में आपको जो है बार का रास्ता देखना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और अब बात करते हैं हमारे वाटर कैरियर यानी ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी को जो है एक लाइन से बैठाया जा रहा है, और आज भी सेम इसी प्रकार हुआ, आप सभी को जो है एक लाइन से बैठा दिया जाता है। उसके बाद आपको एक बैच नंबर दिया जाता है, जिसमें 20 स्टूडेंट्स होते हैं, 20-20 करके हर बैच में, और सभी को जो है एक नंबर दिया जाएगा कोडिंग, कि आपका नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, इस प्रकार जो है आपको टोटल जो है कोडिंग दिया जाएगा, और इस हिसाब से आपको बैठना होगा। फिर आपको दोस्तों नंबर 1 के हिसाब से बुलाया जाएगा, नंबर 1 बैच आ जाओ, नंबर 2 आ जाओ, नंबर 3 आ जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पहले जो होता था फर्स्ट राउंड, वो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, जी हाँ दोस्तों। बट आप एकदम श्योर मत होइएगा कि आप मसालों के नाम पढ़ना ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी भी किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है उनकी तैयारी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है दोस्तों। अभी भी जो है वो सामान जो है बाजार से मंगा के बीच बीच में जो है ट्रेड टेस्ट के लाना पड़ रहा है उनको। उनको भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, इसलिए क्या है वहाँ पर खुद ही सामान अभी कम पड़ रहा है, तो स्टूडेंट्स को जो है कम समय में यानी कि फास्ट फास्ट काम करवा ले रहे हैं। तो जो कुछ स्टेप्स बाकी हैं, जैसे मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, तो इनके पास जब सामान ही नहीं तो वो आपसे क्या पूछेंगे। तो फिलहाल के लिए ये राउंड अभी नहीं हो रहा है, तो हम सीधा बात करते हैं अपने ट्रेड टेस्ट से। तो पहला जब आपको बैच में बुला लिया जाएगा, तो आपको जो है नंबर वाइज जो आपको होगा 20 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है सीरीज वाइज कुछ लोगों को जो है आटा सानने के लिए दिया जाएगा, और कुछ लोगों को जो है सब्जी बनाने के लिए दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो आपका होगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ आपको जो होने वाला है फेस होने वाले, आप 100 ग्राम आटा जो एक कटोरी हो गई, या एक कटोरी के बाद गिलास में, जी हाँ दोस्तों गिलास में, तो आपको जो भी मिलता है यानी कि लगभग 100 ग्राम का जो इसका अनुमानित जो है वेट है, यानी 100 ग्राम आटे को आपको 1 मिनट में सानना है, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद आपको उसकी रोटी बनाना है,
और मैं आज आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि आपको रोटी बनाने के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आसनसोल में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जो है समय का कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि आप आराम से आटा सान कर जो इसकी रोटी बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप घाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे खुशखबरी है आज के लिए, क्योंकि आज जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें हमारे स्टूडेंट कहा कि सर आप लोग जो कहते थे 1.5 मिनट मिलता था, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हमें पूरा टाइम दिया गया कि आप अच्छे से बस आटा सानिए और रोटी बना के दिखाइए किस प्रकार आप रोटी बनाते हैं और कितना टेस्टी आपका रोटी होता है। तो दोस्तों आटा सानते समय आप अच्छे से पानी वानी मिला लीजिएगा उसमें, और पूरी तरह से उसको अच्छे से गूंथ कर उसके बाद जो इसकी रोटी बनाइए। थोड़ा सा उसमें अगर घी का इस्तेमाल कर लेते तो बहुत अच्छा है, कुछ तेल वगैरह जो भी ऑयली चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वहाँ पर उस समय, तो आप उसका इस्तेमाल करके जो है अपने आटे में डाल लीजिए, ताकि आपका आटा नरम हो जाए, और नरम होने के बाद जो है आप उसकी रोटी बनाइए वो बहुत ही मुलायम होगी, बहुत सॉफ्ट होगी, और उसको तरफ चारों तरफ से अगर पका लेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से फूल भी जाएगी। ये हमारे स्टूडेंट ने जो आज हमसे कहा वही स्टेप्स हम आपको अपने वर्ड्स में कह रहे हैं दोस्तों। उन्होंने भी सेम यही प्रक्रिया अपनाया था कि उन्होंने तेल वगैरह इस्तेमाल किया था ताकि वो आटा जो है मुलायम हो गया था। अगर आप पहला राउंड पास हो जाते हैं, यानी यहाँ पे पहला राउंड पास हो जाते हैं, तो आपको भेजा जाएगा दूसरे राउंड में। तो दूसरा राउंड आपका है दोस्तों सब्जियाँ काटना और बनाना। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है बैगन, बैगन के बाद मिलेगा दोस्तों आपको एक आलू। अब आलू बैगन आपको मिल गया है, अब उसको काटना है, और काटना आपके हिसाब से, यानी आप कोई भी हिसाब से काटिए, आपको बस सब्जी बना के उन्हें दिखानी है। यानी कि आप अपने हिसाब से काट लीजिए कि आप जो है 15 मिनट के अंदर, यानी कि आप जो है सब्जी बनाना है आपको, और 15 मिनट में आपकी सब्जी यानी आलू और बैगन गल जाना चाहिए। उस हिसाब से आप बैगन को काट लीजिए, आलू को भी काट लीजिए, और उसको बाद उसमें अपने मसाला जो है तेल अनुसार, जैसे पूरी रेसिपी होती है हम आपको बताएंगे एक वीडियो में पूरी की पूरी बैगन की जो आलू की सब्जी बनती है उसकी रेसिपी। तो फिलहाल अभी आपको मैं ये बता दूँ कि जो आज के वीडियो में कि ये जो है प्रोसेस हुआ सब्जी बनाने के लिए दिया गया, फिर आपको अच्छी सब्जी बना के उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में जो है आपको सब्जी रखनी है। उसके बाद आपका एग्जामिनर आएगा, जिसमें से 1, 2, 3 जी हाँ ये तीन कांस्टेबल होंगे, तीनों आपका टेस्ट करेंगे, कि चम्मच लेके सब्जी आपका टेस्ट करेंगे। तो ये तीनों अगर टेस्ट करने के बाद जिसमें से एक ने अगर ओके कर दिया, दूसरे ने अगर फेल कर दिया, तीसरे ने भी ओके कर दिया, तो समझ लीजिए आपका जो है सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए। यानी कि दो जो मेजॉरिटी होनी चाहिए जो पास होने की, यानी दो की है, यानी तीन कॉन्स्टेबल से अगर दो ने आपको मार्क्स दे दिया कि हाँ आपका ओके है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट राउंड क्या हो रहा है दोस्तों, नेक्स्ट राउंड में आपसे दाल बनवाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दाल। तो दाल बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि दाल जो है सिर्फ 2 से 3 जन का ही बनाना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। आज जो है काफ़ी स्टूडेंट ऐसा गलती कर रहे थे, उन्हें सिर्फ कहा गया दाल बनाने के लिए 2 से 3 जनों का, तो पानी की जो है मात्रा बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने सिर्फ उनको ये कह के निकाल दिया कि आपसे कहा गया था 2 से 3 जन का और आपने बनाया लगभग 6 से 7 लोगों का। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, भले ही आपकी दाल टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, बल्कि जो स्टूडेंट पास हुआ उनसे भी बेहतर आपकी दाल हो, लेकिन अगर आपको जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया आपने उसे फॉलोअप नहीं किया और वो एक्स्ट्रा बना दिया, तो दोस्तों ये इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को बस एक मौका चाहिए आपको बाहर करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेचारे बाहर हो जा रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि उनका सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी किस बेस पर उनको बाहर कर रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता चलता। तो ये सारी चीज़ें आज हुई ट्रेड टेस्ट में। तो जो है दाल बनाना पड़ेगा आपको नेक्स्ट राउंड में। तो दाल बनाने के बाद दोस्तों आपको जो है फाइनल जो टच दिया जाएगा, यानी कि आपका पास हो चुके हैं, यानी तीन स्टेप आप पार करने के बाद जो है आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं, बट आपको एक चांस और एक मौका मतलब और दिया जाता है बनाने के लिए खाना आपकी मन पसंदीदा। उसमें आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया इसलिए आपको लास्ट स्टेप दिया जा रहा है, बट दोस्तों आपके जो परफॉर्मेंस पे जो उसका कहते हैं ना असर पड़ने वाला है वो पड़ सकता है, क्योंकि आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जी आपको पता है कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में पास होने से आपको जॉब नहीं सिक्योर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, जो मार्क्स दिया जा रहा है यानी कि जो पास हो रहे हैं उन्हें मार्क्स दे दिया जा रहा है, जो भी मार्क्स मिल रहा है। उसके बाद जो आपका सीबीटी का एग्जाम हुआ था वो उसमें ऐड होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद 7, 8, 9 जो स्टूडेंट का जो फिगर है वो आपका निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका आखिरी स्टेप भले ही आपको उसमें मार्क्स मिले ना मिले उसे कोई मतलब नहीं, बट आपको जो है अपनी मनपसंद चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हो खाना बनाने में, जो भी चीज़ आप बना पाते हैं वेज हो नॉन वेज हो, आप उस चीज़ को बनाइएगा पूरी बेहतरीन और शिद्दत से, ताकि वो चीज़ भी आपकी अच्छे से हो, और वो टेस्ट करने के बाद जो है उसके आधार पर वो आपको नंबर दे देंगे, और वही नंबर आपको जो बेनिफिट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो दोस्तों आज यही कुछ हुआ हमारे स्टूडेंट के साथ, जिन्होंने अपना नाम और हमें नंबर अपना दिया, और हमने उनसे बात की, काफ़ी हमें खुशी भी हुई कि हमारे स्टूडेंट्स का जो है हमारे वीडियो देख देख के उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा सर जैसा जैसा आपने कहा था मैंने सारे जो है मसालों के नाम पढ़ लिए थे, वेजिटेबल्स के नाम पढ़ लिए थे, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ, भले ही हमारे साथ नहीं हुआ बट मेरे लिए फ़ायदा हुआ कि अगर बाई चांस हो जाता तो क्या होता मेरे साथ। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं कि जो जो अभी न्यू व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि नए नए वीडियोज़ जो अपलोड हो रहे हैं आसनसोल और हावड़ा से, वहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड नहीं हो रहा है, लेकिन
ये बात श्योरिटी नहीं है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपका अगर पूछ लिया जाता है तो आपका क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके टर्म पे यानी जब भी आपका होगा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, और अगर उस टाइम पर आपसे पूछ लिया गया मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, तो आप क्या करेंगे। इसलिए पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है दिल्ली कपूरथला में हुआ तो कोई भेदभाव तो होगा नहीं कि आपको एक सेंटर पर पूछा जाएगा दूसरे सेंटर पर नहीं पूछा जाएगा। बस समय का हेरफेर है कि स्टार्टिंग में नहीं पूछा जा रहा है, तो इनके लिए बहुत अच्छे गुड लक है उन सभी के लिए, लेकिन जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आज का अनुभव कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो दोस्तों टेट टेस्ट के बारे में, कुछ भी सम्मान या कुछ भी अपडेट, जैसे आपको कैसे ट्रेवलिंग करना है कुछ भी, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर आपको उसका आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।